देखो देखो देख सकते हैं जो जतिन के शव को रोड पर ले जाने की जब बात की जाती है तो पुलिस आगे जरूर आई है बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं पुलिस यहां पर पहुंची है और बॉडी को रोड पर यानी कि कल्पना चावला के गेट पर ले जाने की बात की जा रही है। पुलिस यहां पर समझाती हुई जरूर नजर आ जाएगी आपको। आने लग रहे भाई साहब, बीएसपी साहब अभी आ जाएंगे। तीसरा बंदा पकड़ लाओ, मैं तीसरा बंदा लेके आओ। उसने भी अपने फुटे से रखी है, वो तीसरा बंदा लेके आओ जब हम देखेंगे। तीसरा बंदा जो जिसने पूछा है आपने, वो उससे पूछा वो कहेगा मैं कदम करके आया हूँ। मुझे वीडियो वाला वही है जिसकी फुटेज दिखाई है, वही है। ये बताओ फुटेज में मार तो दी है, आपने पहचान कर ली है? हम नहीं पहचानेंगे। हमने पहचान कर लिया, पहचान नहीं पकड़ा कि नहीं? जो पहचान नहीं पकड़ा कि नहीं, ये बताओ ना। किस काम के लिए देख सकते हैं मौके पर डीएसपी जो है वो पहुंच चुके हैं। जी हाँ, डीएसपी साहब यहाँ पर पहुंच गए हैं। फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई। देख सकते हैं परिवार जो है देख सकते हैं जो डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो है मुठभेड़ की सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जबरदस्ती जो है शव को जरूर ले जाया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन रोकता हुआ, जी हां रोकता हुआ आपको जरूर नजर आ जाएगा। डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं, शव को रोड पर रखकर जाम लगाने की बात जो है की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। आपसे अपील यही रहेगी वीडियो को आप लगातार जो है शेयर जरूर करें। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा जो है क्लैश होता हुआ आपको जरूर नजर आएगा। ये धक्का मुक्की भी आप देख सकते हैं कि परिवार को रोकने का जरूर प्रयास किया जा रहा है। पुलिस जो है परिवार को समझाने का प्रयास कर रही है। वहीं जो परिवार है शव को रोड पर रखने की बात जरूर कर रहे हैं, रोड पर रखकर जो है जाम लगाने की बात जरूर की जा रही है। आपसे अपील वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। देख सकते हैं यहाँ पर जो है लड़ाई का माहौल जरूर बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको कि किस तरह से परिवार को पुलिस भी हटाती हुई जरूर नजर आ रही है। जी हाँ, ये जतिन की मौत पर आप देख सकते हैं कि हंगामा किस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं कि परिवार का जो है यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन परिवार फिलहाल जो है शव को सड़क पर रखकर जाम करने की बात जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जो है बाहर से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से यहाँ पर जो है क्लैश होता हुआ आपको दिख जाएगा। पुलिस परिवारजनों को समझाने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह जो है क्लैश करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। शव को जो है रोड पर रखकर जाम लगाने का प्रयास। देखो ये कौन सा धक्के मार रहा इंसान, कौन सा धक्के मार रही है? देखो ये पुलिस प्रशासन है, ये पुलिस आके कर रही है, ये पुलिस है। अब उसे से उसके बाप उधर कदे रही है, दादा दादा किसे रोक रहे हैं? ये पुलिस है, ये पुलिस आके कर रही है। देखो देखो वर्त में भी नहीं है, सिविल वर्दी में कदे रहे देख सकते हैं महिलाएं कितनी बुरी तरह से जो आपको विलाप करती हुई जरूर नजर आ जाएंगी। जतिन जो है दिव्यांग था, महज 18 साल की उम्र उसकी थी जिसको चाकुओं से गोदा जाता है। लगभग जो है तारीख बताई जा रही है 12 मार्च को, उसके बाद 13 मार्च को मीडिया कवरेज भी होती है। लेकिन आज जो है 2 महीने बाद जतिन जो है दम तोड़ देता है। जी हाँ, परिवार ने अपना बच्चा जरूर खो दिया इस मामले में। CIA को भी ये मामला दिया जाता है, उसके बाद 2 गिरफ्तारियां भी होती है, लेकिन उसके बाद जो है अब तक
बताया जा रहा है। जो परिवार आरोप लगाता हुआ जरूर नजर आया कि और भी लोग इसमें शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुए, उसको लेकर आज जो है परिवार और पुलिस में भी कहीं ना कहीं जो है एक भिड़ंत जरूर होती हुई नजर आई। पर जो पुलिस है वो परिवारजनों को समझाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। वहीं पर जो परिवार है वो शव को रोड पर रखकर जाम लगाने की बात जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ये तस्वीरें देख सकते हैं, डीएसपी मुकेश कुमार खुद जो है मौके पर है समझाने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें हैं जहाँ पुलिस और परिवार आमने सामने जरूर आपको नजर आ रहा होगा। जी हाँ, पुलिस और परिवार आपको आमने सामने जरूर नजर आ रहा होगा। कुंजपुरा का रहने वाला जतिन, जी हाँ, कुंजपुरे का रहने वाला जतिन, जिसकी आज लगभग जब उस पर हमला होता है उसके बाद 2 महीने बाद आज जो है इसी अस्पताल में मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 महीने से ही वो एडमिट जरूर था। जी हाँ, एडमिट जरूर था। देख सकते हैं जतिन के शव को यहाँ पर रखकर महिलाएं, माँ बहन और भी माताएं जो है सभी विलाप करती हुई जरूर नजर आ रही हैं, बुरी तरह से रोती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। जी हाँ, देख सकते हैं जतिन जिसकी महज उम्र 18 से 19 वर्ष है, उसकी मौत हो गई है। उस पर हमला होता है कुंजपुरा थाने के, बताया जा रहा है दीवार लगती थी उसके साथ ही जो है इस तरह से हमला हो जाता है, चाकुओं से गोदा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं डीएसपी मौके पर है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको कल्पना चावला जो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं, जहां पर परिवार और पुलिस एक बार जो है बातचीत जरूर करती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं जो पुलिस है वो परिवारजनों से बातचीत करती हुई आपको नजर आ जाएगी, परिवार को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है ताकि जो है इस मामले को बाद में जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। आपसे अपील रहेगी वीडियो को आप शेयर जरूर करें, परिवार से बातचीत कर उनको समझाया जरूर जा रहा है। एक तरफ जो है जतिन के शव को रखकर वहाँ पर विलाप करती हुई महिलाएं नज़र आपको आ जाएंगी। यहाँ पर मामला जो है बड़ा ही पेचीदा जरूर बनता जा रहा है, क्योंकि अब जो है 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद जतिन की मौत हो जाती है। पहले 12 मार्च को उसके ऊपर चाकुओं से हमला होता है। जी हाँ, लगभग 2 महीने वो अस्पताल में भर्ती रहता है, लेकिन आज जब उसकी मौत हो जाती है तो परिवारजनों में काफ़ी रोष जरूर नज़र आ रहे हैं। डीएसपी खुद मौके पर पहुँचकर परिवार को समझाने का प्रयास भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपसे अपील यही करूंगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। 2 आरोपियों को बताया जा रहा है गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन जो परिवार है वो और भी लोगों के नाम ले रहा है जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। तो मान रहे हैं हम, वही आश्वासन दे रहे हैं, जितनी भी कोई कार्रवाई बनती है, जितनी भी दफाएं लगती हैं तो लगाएंगे, जो अपराधी हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे। हमारे नजरों में तो 3 आ रहे हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो पोस्टमार्टम करा रहे हैं, जो इसके बाद देखे हैं, मतलब पोस्टमार्टम कराते हैं। क्या उनसे पूछताछ नहीं करी गई अब तक भी? कोई पूछताछ नहीं हुई उनसे, इतनी नहीं, 1.5 महीने का समय लगभग बीत चुका है, क्या अभी परिवार जो है प्रशासन उसको अपनी संतुष्टि में नहीं ले पाया? नहीं ले पाया जी, जो लेता तो ये नौबत थोड़ी आती जी, 19 साल।